अपने बहुत लंबी वाली फ्लाइट पर जाने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टोरंटो फाइनली आफ्टर सो मेनी डेज. आई विश. बड़ा हरामी हो बेटा. डूड ये क्या हो गया भैया, ये कैसे निकल गया? ओ सब कुछ मैग्नेटिक है इसमें. सब कुछ मैग्नेटिक है. देखो ये मैग्नेट से चिपक गया, फिर ये निकला, ये मैग्नेट से चिपक गया, ये बाहर का ये भी पूरा निकल जाता है एंड लिटरली इसका ये वाला कवर भी निकल जाता है. मैंने अभी तक इसमें एडिट नहीं किया, एड मतलब लैपटॉप का स्क्रीन ऐसे निकाल के पुंचिंग पुंचिंग करके मैंने वो एडिट नहीं किया है. लेकिन जितना भी मैंने इसको यूज़ किया, मैं आपको बोल सकता हूँ कि मूवीज़ देखने में भाई साहब भयंकर मज़ा आता है. अगर मैं फ्लाइट पे कभी मतलब इसको थिएटर मोड है एंड मैं अभी वो वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं बताऊंगा आपको बिकॉज ये मेरा नहीं है. आप जानते हो ये क्या चीज़ है, आपने इसकी वीडियोस देखे रहेंगे और आपको पता रहेगा कि कैसा मूवीज चलता है. बट इसको नहीं मालूम जो आप देख रहे हो, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो वो तो दिखता है. स्पेशली आप जब उसको मूवी मोड टर्न ऑन करते हो ना तो सब कुछ डार्क हो जाता है एंड इट इज सो ब्लडी रियल. ऐसा लगता है लिटरली या तो रेगिस्तान में या तो एकदम अंधेरा थिएटर में आप मूवी थिएटर को एंजॉय कर रहे हो. एंड फ्लाइट में इसका अनुभव करने का तो ओहो, या फिर गाड़ी में मज़ा आ जाएगी, मतलब बहुत मज़ा आ जाएगी. बट सिर्फ वो एक दो चीज़ों के लिए $3,000 मिनिमम. यहाँ यूएई में ये मिनिमम आपको 10,000 दिरहम का आराम से मिल जाएगा और थोड़ा 1TB वर्जन लोगे तो 12-13-14,000 दिरहम तक आएगा. बिकॉज ये सिर्फ ऑफिशियली यूएस में लॉन्च हुआ है. दुबई में जब ये लॉन्च हुआ था तो ये 18-18-20-20,000 दिरहम का मिल रहा था. लोगों ने बाकायदा वो प्राइस में भी इसको खरीदा है. ऑनेस्टली सही, मैंने बहुत अपने आप को कन्विंस किया था इसको लेने का, लेकिन आफ्टर यूजिंग इट एंड आफ्टर वॉचिंग लॉट ऑफ वीडियोस मेरा, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, अभी भी डाइसी हूँ, लेकिन द बैलेंस इज मोर टुवर्ड्स कि मुझे इसको नहीं लेना है. बिकॉज पहला एप्पल प्रोडक्ट जो लोग इतना रिटर्न कर रहे हैं, सिर्फ यूएस में लॉन्च हुआ, लोगों को हेडेक और नौशिया होता है एंड इसको $3,000 का आइटम है तो यूज़ नहीं कर पाऊंगा. कैसा ना गाइस, अगर मैं सिंगल होता या फिर शादीशुदा होता तो एक बार मैं ले लेता. बिकॉज कैसा ना, अभी स्काई है, अगर मुझे मेरा ओन टाइम मिलेगा और मैं इतना बड़ा हेलमेट पहन के बैठूंगा घर पे, तो वो आके बार बार निकालने की कोशिश करेगी और मैं इसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाऊंगा. और सिर्फ एडिटिंग के लिए लेना नॉट वर्थ इट, मूवी के लिए देखना भी नॉट वर्थ इट. आई हैव अ 75 इंच टीवी इन माय हाउस, मैं उस पर इंजॉय करूंगा. ट्रैवलिंग में कोई कुछ करता नहीं फ्लाइट पे अकेला, वो भी फैमिली रहती है. एज आई सेड अभी भी डाइसी है, तो मुझे लगा कुछ मुझे अच्छे ऑफर में मिल रहा है. एज आई सेड लोग रिटर्न कर रहे हैं प्रॉब्ली इन अनदर 10 months और सो, तो शायद मैं ले लूँ. बट फॉर नाउ आपको क्या लगता है, आप बोलो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. अगर एक बार आप बोलोगे तो शायद मैं कन्विंस भी हो जाऊँ. वैसे मैं लोगों को पूछता नहीं, लेकिन इन दिस केस मैं पूछ रहा हूँ. वैसे भी अपनी ट्रैवलिंग होगी यूएस में, तो यूएस में अपन देखेंगे फेसबुक मार्केट प्लेस में कोई बेच रहा है सस्ते में से. Shanes, the tea is amazing, but it's very very sweet. Sky का दूध गर्म करने गया था. By the way, this is the next day. तो मैंने बोला कड़क चाय का, बोला कड़क चाय नहीं है. तो मैंने बोला क्या है, फिर देखा तो कार्डेमम टी था, दे दे कार्डेमम टी. लेकिन it's very sweet, but it's very nice. तो सुबह सुबह खाली पेट ही हो गया instead of apple cider vinegar. अभी मुंबई जाके apple cider vinegar ही पूरा टाइम लेना है. तो कल जो भी सीन आपने देखा व्लॉग में, उसके बाद हम लोग बाहर थोड़ा ड्राइव पे गए, मैंने व्लॉग नहीं किया. एंड देन वी वेंट टू Shanes' friend's house, Gamasha's. उन्होंने ईद का इफ्तार रखा हुआ था, हम वहाँ गए बैठे, बहुत बातें की. स्काई और लयाल ने बहुत मस्ती की, मतलब दो लड़कियाँ मिलती हैं तो उछल कूद करके खेलती ही रहती है. और फिर मैंने और उसके हस्बैंड जुबैर ने, क्या कमाल का बंदा है, मतलब फुल अपने ऐसा मुंबई का है. उसके साथ बैठ के मतलब कितना टाइम निकल गया समझ में नहीं आया, आराम से रूम में आए, खाए और सो गए. एंड नाउ दिस इज द नेक्स्ट डे. क्या चाहिए बेटा? अच्छा इसको हार्ट चाहिए, फ्लावर नहीं हार्ट चाहिए. हार्ट हार्ट निकाल मत, निकाल मत. यू वांट रोज और व्हाट? रोज सर, रोज देख रहे हैं सर. वाओ, शी लाइक्स फ्लावर्स. या शी लाइक्स फ्लावर्स. मेरा फेस. सब बोल रहे थे आज हर जगह जो है रश रहेगा, लेकिन सुबह रश नहीं होगा बिकॉज एज आई सेड दुबई में हम आराम से उठते हैं. तो हम आज जा रहे हैं दुबई आउटलेट मॉल. मुझे नहीं पता था कि दुबई में भी आउटलेट मॉल. तुझे किसने बताया फिर? एक्चुअली आई जस्ट हैपेंड टू चेक ऑनलाइन कि व्हिच इज द ब्लेस्ड प्लेसेस टू शॉप एंड फिर मुझे दिखाया ये दुबई आउटलेट मॉल. अरे वाह, अब रिव्यू अच्छे हैं तो चलो. चलो भाई अच्छे रिव्यू है, वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे. एक्चुअली सरप्राइजिंगली हमने होटल में एक बार भी ब्रेकफास्ट ऑप्ट नहीं किया. एक्चुअली लोग बोल रहे थे कि डू यू वांट टू टेक, थोड़ा बहुत कम चार्जेस था. तो Shanes ने बोला इस बार ब्रेकफास्ट नहीं लेते, लेट्स गो आउट. बिकॉज ब्रेकफास्ट खाते ना हम लोग थोड़े ये हो जाते. गाड़ी का पार्क किया मैंने. ये वाली लैंड क्रूजर ने ये वाली लैंड क्रूजर को छुपा दिया, मतलब गाड़ी किधर गायब हो गई. बहुत
पहुंच गए हम लोग ये वाला मॉल है यार, ऑलरेडी मतलब अभी जस्ट खुला है मॉल, 10 बजे खुलने वाला था, 10:05 भी नहीं हुए और देखो ना ये खाली पार्किंग, ये भर जाएगा थोड़ी देर में क्योंकि मेरे पीछे पूरा भरा हुआ। मेरा वेदर अच्छा लग रहा है आज, कल थोड़ा गर्म हो गया था लेकिन आई थिंक वो 12 से 3-4 के बीच में गर्म होता है। आज वैसे भी क्लाउड भी एकदम क्लियर है। हाँ कल तो बहुत ही डिप्रेसिंग वेदर था भाई, कल तो पूरा लो फील कर रहा था। एंट्रेंस पे लिखा था दुबई आउटलेट मॉल लेकिन यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं है, बड़े में वेलकम टू दुबई आउटलेट मॉल से कहा है। अरे इतना छोटे पे थोड़ा इधर बोता रहा हूँ यार, बोर्ड छेगी नहीं मार्केटिंग के लिए। और ये गुस्सा देखो क्या दिख गया, ओहो टिम हॉर्टन्स बुला रहा है शानिस। तो अभी टिम हॉर्टन्स में हमारे सब्सक्राइबर मिले तो मैंने बोला यहाँ पर कैसा है मॉल, अच्छा है क्या? उसने बोला सब जाते हैं घूमने दुबई मॉल लेकिन शॉपिंग करना है दुबई आउटलेट मॉल, वहाँ पर स्कैन करके आते, बोलते बस देख के लेना, कभी कभी पुराना माल इन लोग चिपका देते तो वो मतलब मुझे पुराने नए से मतलब नहीं, अच्छा दिखना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए और डिस्काउंट में रहना चाहिए। तो अच्छा चलो भाई कन्फर्मेशन भी आ गया। शानिस किधर गई? और हमारे लिए छोड़ो पहले स्काई के लिए शॉपिंग हो रही है, उसको मेकअप बड़ा पसंद है। आर यू श्योर शानिस यू वांट टू गिव अ दिस, डोंट स्टीरियोटाइप योर चाइल्ड विद लाइक फेमिनिन स्टफ। हाँ तो वाव तो हर चीज़ के लिए करती है, पत्थर के लिए भी करती है वो। बेटा दुबई में चोरी अलाउड नहीं है मालूम है ना, यहाँ पर हमारा नाश्ता चल रहा है और यहाँ स्काई को मेकअप से खिला जा रहा है, कितना पसंद है देखो इसको। मम्मा का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है बिकॉज ये देखो बेटी देखो स्काई मैडम आराम से है बेटा, अपना लेंस दिख रही है, एक चश्मा दिख गया मुझे, मेरी नाक लिटरली दब रही है इससे, पता नहीं कैसे दब रही है पर नाक दब रही है। बट आई एम लुकिंग तो इंस्टेड ऑफ बाइंग ग्लासेस मैंने शानिस को क्या बोला, यहाँ पर लेंसेज बहुत अच्छे ऑफर में मिल रहे हैं, शानिस ने लेंस ले ली। इट्स ओके, बढ़िया लेंस है, कलर है कि नॉर्मल है? अरे वाह क्या अच्छा कलर मिला यार तेरे को, अच्छा लग रहा है एकदम, वन ऑफ द नाइसेस्ट कलर। और यहाँ खाना खाने बैठे थे और जब स्काई सो गई थी तो शानिस ने चोटी बांध दी और क्लिप लगा लिया, अभी स्काई जैसी उठी उसको मालूम पड़ गया और ये देखो स्काई को पकड़ के मैं खा रहा था, पूरा खाना भी गिर गया, क्या नाटक, एक बड़ा ही पूरा हाथ लग गया मेरा भी ठीक है। ये देखो अभी स्काई को ये नहीं पता कि ये भी छोटी भी बांध दी है। हाँ शानिस तो छोटी मालूम पड़ेगी, तो अभी मुझे बोलती है हम लोग अच्छा खासा 4-5 घंटे थे यहाँ पे, अभी वापस होटल जा रहे हैं, हमारे एक्चुअली बहुत फ्रेंड बन गए हैं अभी दुबई में, तो एक भाई आ रहे उमेर भाई, तो इसको इन लोग होटल में छोड़ूंगा और नीचे मीटिंग कर लूँगा उनसे, बस अभी बहुत काम निपटाने हैं ना। ओहो बड़ा ब्यूटीफुल कलर मैन, वाओ। हम लोग आ गए हमारे रूम में और बस यहाँ पर व्यू एंजॉय कर रहे हैं और घंटों से बातें कर रहे हैं। बीच में मैं गया था, हमारे एक फ्रेंड है उमेर भाई, सीशल मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, उनसे मिल के आया। फिली फिली का एक तो नॉर्मल फिली स्टॉल होता है जब अपन खाते चाय या सैंडविच, एक फिली का रॉयल भी होता है, रॉयल मतलब उसके कुछ तो बोलते हैं, वहाँ बैठा मैं एंड मज़ा आ गया भाई। तो अभी वही चाय कॉफ़ी थोड़ा अच्छे स्टाइल में, मतलब इट्स प्रीमियम। तो आई थिंक सिटी वॉक में गए थे हम लोग अभी एंड अभी आते रहे, मुझे उमेर ने बोला कि भाई आज कुछ भी करना शाम को मॉल मत जाना और दुबई मॉल तो बिल्कुल भी मत जाना। अभी यहाँ से आते टाइम देखो आपको, देखो यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे होंगे, फिर आपको ये लोग वॉक करते आ रहे हैं, ये जस्ट मॉल इधर ये बाजू में एक ये टर्न छोड़ के वहाँ पर इतने लोग हैं। शानिस भी आते रहे, देखा कम से कम 100-200 लोग तो ऐसी सड़क पर खड़े, क्योंकि आज ऑफकोर्स ईद हॉलीडे है तो सब लोग बाहर हैं मॉल में, तो बोलते ऐसा लगेगा कि मोहम्मद अली रोड आ गए, इतनी भीड़ रही। तो वहाँ तो नहीं जाना है, सिटी वॉक इज़ अ गुड ऑप्शन, सिटी वॉक जा सकते हैं, वहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज है। शानिस का मूड क्या खाने का, वो जो फ्लाइट पे क्या मिलता है, वो मिलता है ना कैसरोल, चिकन करी विद राइस, कैसरोल तो जो कल लंबी वाली फ्लाइट पे मिलेगा। और हमको सबने बोला जाना खाना खाने के लिए, वो है कराची ग्रिल, कराची दरबार था, कराची ग्रिल था मुझे याद नहीं, और जब मैंने चेक किया तो कराची ग्रिल को ज़्यादा अच्छी रेटिंग थी। एंड पार्किंग भी देखो यहाँ पर बढ़िया मिल गई, यहाँ पर इसके पीछे का अरे बेटा भाग मत रे बाबा, दो में उसको पत्थर दिख गया, बाप रे बाप, ये आदिवासी है, आदिवासी नहीं जंगली है अपनी बच्ची। अब तक तो रेस्टोरेंट बढ़िया लग रहा है 10/10 और ये आ गया फ्री में 40।
बढ़िया, स्काई को पसंद है, सब खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। अभी खाना खा के बताते हैं कि रेटिंग क्या है। मेरे दाल चावल तो बहुत बढ़िया है। चिकन कैसा तेरा? बहुत अच्छा। और इसको बड़ा अच्छा लगा खेल कर ये सब खा के। बाय बाय स्काई स्लीपी, बाय बाय, बाय बाय दुबई, बाय बाय बुर्ज अंकल। टाइम फॉर अस टू लीव दुबई एंड बाय बाय टू डाउन टाउन दुबई होटल। ये मैं अपने रेफरेंस के लिए शूट कर रहा था कि नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मुझे पता चले कि मैं कहाँ रुका हूँ और वापस सेम जगह पर रुकूँ। बाय बाय टू द अमेजिंग लैंड क्रूजर। मेरे को तो मज़ा आ गया भाई, गाड़ी चला गया मज़ा आ गया। मुझे नहीं पता इंडिया में भी इतना अच्छा चलेगी जितना यहाँ चलती है, बिकॉज यहाँ पर सारी गाड़ियाँ बहुत अलग चलती है, स्पेशली लैंड क्रूजर। अभी नींद बहुत परफेक्ट, कट टू कट नींद में का जल्दी सो गए थे ना अपने। वी वेंट स्लीप एट 10:45 बिकॉज़ अभी हमारी फ्लाइट बहुत लंबी रहने वाली है। लंबी? अरे मजाक कर। थैंक यू। वैसे तो दुबई एयरपोर्ट आपको कभी भी खाली दिखेगा नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ कोर्स मॉर्निंग फ्लाइट, सो पूरा एयरपोर्ट जो है खचाखच भरा हुआ है। अरे ईद के दिन तो लोग इतना ट्रैवल नहीं कर रहे, क्योंकि आज की जो टिकट है हमने चेक किया बहुत सस्ती है। मतलब लोग इंडिया नहीं जा रहे, इसका मतलब नहीं कि लोग दुनिया में नहीं घूम रहे। और जब भी आप एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहे हो ना, बेफिक्र होकर दबा के खा के आओ, क्योंकि वो आपको भले ही डायरेक्ट फ्लाइट होने दो या भले ही आपका ट्रांजिट होने दो, आपको बहुत वॉक कराएंगे एमिरेट्स। मेक श्योर यू ऑलवेज रिमेन हेल्दी। आपकी कैलरी जो आप खाते हो फ्लाइट पे या फिर घर पे वो बर्न हो जाए। और मम्मी ने बोला कि खजूर लेके आना, तो खजूर ले रहे हैं। लास्ट टाइम मुझे ये दिखा नहीं था यार, लास्ट टाइम मुझे पैकेट वाला मिल रहा था, तो ये अभी यहाँ से ले रहे हैं। नेक्स्ट सोच अगर मस्ती करनी होती हो तो मैं बोलता गाइस हम लोग अपनी बहुत लंबी वाली फ्लाइट पर जाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टोरंटो फाइनली आफ्टर सो मेनी डेज। आई विश ये सच होता है, ये सच नहीं है, मुंबई जा रहे हैं, छोटी सी फ्लाइट है हमारी। अभी बहुत थक गए हैं, लाइक लिटरली वी आर सो टायर्ड, बिकॉज अभी इसने मैकडोनल्ड्स लिया था, फ्राइज खाया, फ्राइज खा के ना ऐसी तेरी एनर्जी ड्रेन हुई। हाँ सेम, पूरी एनर्जी सुप ऐसी हो गई, मैं फुल एनर्जेटिक हूँ। एक ही इंसान की एनर्जी ड्रेन नहीं हुई वो ये है। एनीवेज आई थिंक बस अभी थोड़े टाइम में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, हमने वहाँ से चेक इन कर लिया। आई थिंक यही हमारा एयरक्राफ्ट, नहीं ये नहीं है। और स्काई की खोज चालू हो गई नीचे जाके। लैंडिंग बहुत परफेक्ट टाइम पे हुई। इंटरनेशनल अराइवल सिर्फ दो थे, एक तो एमिरेट्स हमारा था और दूसरा ढाका। लेकिन जब हमारा इमिग्रेशन टाइम आया तो सब जो ढाका के पैसेंजर थे निकल गए थे, और हमारे पास और एक इंडिगो एमिरेट्स आने वाली थी, तो बहुत अच्छा टाइम था। और बाहर भी बहुत आराम से निकल गए। अभी शायद शायद की रेडी आ रहे हैं ना, और शायद की रेडी आए लेने के लिए। और मैंने बोला कॉमेट लेके आना। अब सवाल ये कि कॉमेट में सूटकेस सब सामान फिट होगा कि नहीं, क्योंकि हमको एक एक्स्ट्रा सूटकेस गिफ्ट मिला है। तो लेट्स सी, लेट मी ट्राई। गाइस ये देखो, सारा का सारा बैग जो है आ गया, और यहाँ पर एक सीट भी खाली है। शायद की डैड बैठ जाएंगे, हम लोग आगे बैठ जाएंगे। वाह कॉमेट ने तो इम्प्रेस कर दिया यार, इतने सारे बैग्स आ गए, और ये मेरा नीचे जाएगा इधर। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि आज ईद है करके रास्ता खाली है, और हम देखो कितना बता रहे हैं, 14 मिनट में हम अपने घर पर पहुँच जाएंगे। और पीछे देखो सब कम्फर्टेबल हो गए, बैठ सब क्या है। हाँ, होम स्वीट होम। एक्चुअली दुबई में गए थे, हमने अपने नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग भी कर डाली, जो कि इंडिया में कहीं है और उसके बाद कहीं इंटरनेशनल, क्योंकि राइड पे भी जाना है। तो उसके लिए एक छोटा सा तोहफा हम टेस्ट करने के लिए लेके आए, और इसके लिए हमने सीधा आते हैं सूटकेस भी देखो खोल दिया है पूरा। और वो तोहफा ये इस टी शर्ट के अंदर तोहफा है, निकल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा बेटा? अरे कहाँ गया है कि नहीं?
ये रहा वो तोहफा। क्या है ये? तो ये है DJI Mavic 3 Pro। बोलोगे नहीं, देखो भाई ना सिगरेट पीता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना लड़कियों का शौक रखता हूँ, ना आवारागिरी करता हूँ, सिर्फ एक ही गंदा शौक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो छूटने पे छूटता नहीं। अगर ये नहीं होता तो शायद एक छोटा सा घर किधर बड़े बड़े थक गया हूँ, अभी सर दुख रहा है, थोड़ा आराम करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। गेस व्हाट गाइस, अभी जस्ट मेरे से एक घंटा पहले हैप्पी भाई भी जो है फाइनली US से आ गए, और अभी हमको मिलके हमारी प्लानिंग करनी है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए।